तो रशिया अब अपने उस हथियार को मैदान में उतारने जा रहा है जो अमेरिका के B-2 बॉम्बर का भी बाप होगा। दरअसल अमेरिका पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी वायु सेना के लिए एक बॉम्बर बना रहा है और अब इस बॉम्बर का काम बिल्कुल फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। इस बॉम्बर का नाम पैगडा होगा। रशिया में इस बॉम्बर को मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल रशिया की तरफ से जिन बॉम्बर का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे TU-160, ये बॉम्बर बाबा आदम के जमाने के हो चुके हैं, इसीलिए अब रशिया अपनी वायु सेना के लिए एक लॉन्ग रेंज स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बना रहा है। रशिया के इस पैगडा बॉम्बर को रशिया की 5 कंपनी मिलकर बना रही है और रशिया की तरफ से ये टारगेट रखा गया है कि 2025 तक हम अपने पैगडा बॉम्बर के 3 प्रोटोटाइप बनाएंगे जिनकी फर्स्ट फ्लाइट 2025 में कंडक्ट की जाएगी। इस बॉम्बर की जो सबसे खास बात होगी जिससे अमेरिका भी कांपेगा वो यह होगी कि ये बॉम्बर अपने साथ में हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लेकर जा सकेगा, जिसके बाद इस बॉम्बर का मुकाबला कर पाना आने वाले 10 सालों तक तो असंभव हो जाएगा। क्योंकि एक तो इस बॉम्बर को रेडार की मदद से नहीं पकड़ा जा सकेगा, ऊपर से ये बॉम्बर भी स्टेल्थ होगा, जिसकी वजह से रशिया अगर एक बार इस बॉम्बर को अपने दुश्मन देश के इलाके में लेकर घुस गया तो दुश्मन देशों के ऊपर एक तो हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला होगा जिससे दुश्मन को संभलने तो छोड़ ही दीजिए, सांस लेने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं इस बॉम्बर की स्पेसिफिकेशन की। इस बॉम्बर की सबसे खास बात यह होगी कि ये बॉम्बर दुनिया के किसी भी देश में जाकर हमला कर सकेगा, क्योंकि इस बॉम्बर की रेंज 12,000 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर के बीच होगी। ये बॉम्बर इसलिए भी ज्यादा घातक होगा क्योंकि ये बॉम्बर अपने साथ में थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब भी ले जा सकेगा। रशिया की तरफ से ये भी टारगेट रखा गया है कि 2026 तक हम अपने पैगडा बॉम्बर का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और 2028 तक हम अपनी वायु सेना को इन बॉम्बर को देना भी शुरू कर देंगे। इस बॉम्बर को एक बार फ्यूलिंग करने के बाद 30 घंटे लगातार उड़ाया जा सकेगा और ये बॉम्बर अपने साथ में 30 टन के बॉम्ब ले जा सकेगा और इस बॉम्बर को 4 क्रू मेंबर चलाएंगे। इस बॉम्बर को आप सिंपली दुश्मन देश का काल समझ सकते हैं, क्योंकि जिस भी देश में ये बॉम्बर एक बार घुस गया उस देश का स्टोन एज में जाना बिल्कुल कंफर्म है। और आपके लिए आज का सवाल, क्या भारत को 2028 में रशिया से इस बॉम्बर को खरीदना चाहिए, हाँ या फिर ना, इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।